अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो है बीफ कलेजी। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बीफ की कलेजी ली है मैंने एक पाव, और इसको अच्छे से धोकर छोटे छोटे पीसेस कर दिए हैं। प्याज ली है मैंने 3 दरमियाने साइज़ की बारीक कटी हुई। टमाटर 2 दरमियाने साइज़ के, इसके भी छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। नमक 1 टीस्पून लिया है, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून लिया है, और हल्दी मैंने पिसी हुई 1 टीस्पून ली है। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून लिया है, और इसके साथ ही मैंने अदरक लहसुन 1 टेबलस्पून लिया है। सूखी कसूरी मेथी ली है मैंने 1 टीस्पून, और इसको अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है। हरी मिर्ची ली है मैंने 3 अदद बारीक कटी हुई। हरा धनिया लिया है 1 टेबलस्पून। कुकिंग ऑयल लिया है मैंने 1 कप। तो आइए चलते हैं आप कुकिंग मेथड की तरफ। एक पैन में ऑयल को अच्छे से गर्म करेंगे, इसमें प्याज शामिल करेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें बीफ की कलेजी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। स्पून की मदद से कलेजी को अच्छे से फ्राई कर लें, और जब कलेजी अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और साथ साथ इसको 1-2 मिनट तक फ्राई करते रहेंगे। कलेजी को अदरक लहसुन में फ्राई करने के बाद इसमें टमाटर शामिल करेंगे और 2-3 मिनट तक अच्छे से फ्राई करते जाएंगे। जब अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो इसको मज़ीद 5 मिनट तक स्लो फ्लेम पर ढक्कन ढक कर कुक करेंगे, ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। तो व्यूवर्स, ये लीजिए 5 मिनट हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि टमाटर कितने सॉफ्ट हो गए हैं। स्पून की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें नमक शामिल करेंगे और साथ साथ इसमें पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे और हल्दी शामिल करेंगे, और इसको मज़ीद 1-2 मिनट तक फ्राई करते जाएंगे अच्छे से। 2-3 मिनट तक फ्राई करते जाएं। जब 2-3 मिनट हो जाएं तो इसके बाद इसको मज़ीद 5 मिनट तक स्लो फ्लेम पर रख दें, ताकि तमाम मसाले अच्छे से कुक हो जाएँ। तो व्यूवर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं 5 मिनट हो गए हैं, और कितने अच्छे से तमाम मसाले इसमें मिक्स हो गए हैं। जो टमाटर आपको खड़े हुए दिख रहे हैं, स्पून की मदद से इसको अच्छे से मैश कर लें, अच्छे से मिक्स कर लें इसको। फिर इसमें हम कसूरी मेथी को इस तरह हाथ से क्रश करके ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको स्पून की मदद से मिक्स कर देंगे। कसूरी मेथी को 1-2 मिनट तक फ्राई करने के बाद अब इसमें हम गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे और साथ साथ इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे और हरी मिर्चें जो बारीक कटी हुई थी वो शामिल कर देंगे, और इसको मज़ीद 1 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। अच्छे से फ्राई करेंगे। ये लीजिए व्यूवर्स, आप देख सकते हैं ऑयल कितना सेपरेट हो गया है, और ये कलेजी आपकी बिल्कुल डन है। तो ये लीजिए, बहुत ही मज़ेदार बीफ कलेजी रेडी है। अगर रेसिपी पसंद आए तो मेरे पेज को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।